सुनील ग्रोवर के संघर्ष की अनसुनी कहानी, जब कमाते थे 500 रुपए महीना। स्टार कॉमेडियन और बॉलीवुड कलाकार सुनील ग्रोवर ने आज एक जाना माना नाम है, लेकिन सुनील को इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत वक्त और मेहनत लगी है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी उस कहानी के बारे में बताया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सुनील ग्रोवर ने बताया, मैं एक्टिंग करने और लोगों को हंसाने में शुरू से ही माहिर था। मुझे याद है कि 12वीं क्लास में जब मैंने एक ड्रामा कॉम्पिटिशन में भाग लिया था तो चीफ गेस्ट ने कहा कि मेरा भाग लेना गलत है क्योंकि फिर से बाकियों के साथ अन्याय हो जाएगा। सुनील ने बताया, जब मैंने थिएटर में मास्टर डिग्री ले ली तो मैं काम करने मुंबई चला आया, लेकिन मैं एक महीने तक सिर्फ पार्टी करता रहा। मैंने अपनी बचत के पैसे लगाकर एक पॉश एरिया में घर लिया, वो भी तब जब मैं बस 500 रुपए महीने कमा रहा था। सुनील ने बताया कि उस दौर में उन्हें लगता था कि वे जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। सुनील ने बताया कि उन्हें जब उनका पहला टीवी शो मिला तो जल्द ही उन्हें ये भी पता चल गया कि उन्हें किसी ने रिप्लेस कर दिया है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ पर उन जैसे तमाम मौजूद हैं। वे सभी अपने मोहल्ले के सुपरस्टार हैं। जल्द ही उनके पैसे खत्म हो गए और अब उनका सामना कड़वी सच्चाई से था। उन्हें एक बैंक में काम करना पड़ा और वे बहुत पछता रहे थे। उन्होंने काम चलाने के लिए रेडियो में वॉइस ओवर करना शुरू किया। जब ये पसंद किया गया तो उन्हें एक रेडियो शो मिल गया। ये रेडियो शो इतना वायरल हुआ कि मेकर्स ने इसे देश भर में चलाने का फैसला कर लिया।